सोलन में योग भारती द्वारा योग के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका प्रसारण दर्शकों तक लाइव किया गया। योग भारती के संस्थापक निवास मूर्ति ने प्रदेशवासियों को शरीर को ठीक रखने के लिए विभिन्न योग मुद्राओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम योग को प्रतिदिन करते हैं तो रोग हमें छू भी नहीं सकते हैं और कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति योग के माध्यम से ठीक हो सकता है। उन्होंने बताया कि आधुनिक खान पान की वजह से हम कई रोगों को जाने अनजाने में आमंत्रित कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बिना दवा के केवल योग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। योग भारती के संस्थापक निवास मूर्ति ने विभिन्न योगों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ रहने का मूल मंत्र हाथ पैर गर्म, पेट नरम और अगर सर ठंडा है, अगर ये सब ठीक है तो रोग हमसे कोसों दूर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता तो रोग हमारे शरीर पर हावी हो जाएंगे। उन्होंने कई योगों की जानकारी दी जो हमारे शरीर को ठीक रखने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शरीर ठीक है और सर गर्म है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा और आत्महत्या करने में भी नहीं झिझकेगा। इसलिए हमें इन विकारों को दूर रखने के लिए रोज योग करना चाहिए। योग रोग को जड़ से समाप्त कर देगा। नमस्कार, श्रीनिवास मूर्ति योग भारती के संस्थापक हूँ। कुछ योगासन प्राणायाम आपके सम्मुख में रखा हूँ। ये सारे के उद्देश्य एक ही है, एक ही सूत्र में बताना, तो हाथ पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, तो कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। इसी दृष्टि से हर बार हमने चेक करना कुछ पेट का ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए ही है बद्धकोणासन, पादहस्तासन, हाथ नीचे लगाने का चेक करते रहना, पेट नरम रहना, कम खाना, शरीर को योग्य चीज ही खाना, और हाथ पैर गर्म रखने के लिए खूब पैदल चलना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जो आपको अच्छा लगता है करते रहना। सिर ठंडा रखना है ना, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों ठीक हो गए, सिर गर्म है तो खुदकुशी कर लेते हैं, बड़े बड़े एक्टर खुदकुशी कर रहे हैं आजकल। कारण क्या है, उनका सिर जल्दी गर्म हो रहा है। इस कारण से सिर को ठंडा रखने के लिए ही प्राणायाम है, मुख्य रूप से ओंकार है। इस कारण से जो आसन आपको पेट नरम कर रहे हैं वो सारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। उसमें महामंत्र है ओंकार, बाकी भी है, गायत्री मंत्र है, उसमें 24 अक्षर है, हर अक्षर हमारा सात्विक शक्ति को बढ़ाता है। 52 अक्षर है मृत्युंजय मंत्र में, हमारा सेल को ऊर्जा देता है। ये सारे करते रहना,